सेट थ्योरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सेट को। तो सेट की डेफिनेशन पता होगी आपको, अ सेट इज अ कलेक्शन, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, है ना, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। यहां पर देखो तीन चीजें आपको नजर आएंगी। एक ये जो कलेक्शन वर्ड है, ये एक वर्ड मिला आपको, और एक वर्ड मिला वेल डिफाइंड, और एक वर्ड मिला आपको ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट्स में, मैथ्स में ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके नंबर्स, है ना। मैथ्स की लैंग्वेज में बात करें अगर, तो ये ऑब्जेक्ट्स का मतलब हो गया नंबर्स, रियल नंबर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स वगैरह जो भी हो, नंबर्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है ना, नंबर्स या कोई और मैथमेटिकल एलिमेंट्स, है ना। अच्छा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वेल डिफाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि अगर एक सेट बनाने को बोला जाए तो दुनिया में किसी भी कोने में हर कोई सेट बनाएगा तो बिल्कुल एक जैसा सेट बनेगा सबका। ठीक है ना, यानी कि हर एक चीजें उसके बारे में क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से सेट्स वेल डिफाइंड नहीं है। अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो फिर वो सेट नहीं है। ठीक है ना, हाँ, तो वेल डिफाइंड मतलब एवरी प्रॉपर्टी शुड बी स्पेसिफाइड। ठीक है ना, प्रांजल, लिखते जा रहे हो आप लोग क्या? ठीक है ना, यहां पर एक वर्ड आता है, एक वर्ड और दिख रहा है आपको, कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब समझ रहे हो आप, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, अब देखो भाई, सेट भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और कलेक्शन भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो एक मेजर डिफरेंस है सेट और कलेक्शन में। सेट और कलेक्शन में एक मेजर डिफरेंस है, ये आपको क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है ना, इन अ सेट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रिपीटेड। आपके ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स बोलो या एलिमेंट्स बोलो, वो रिपीट नहीं होंगे। ठीक है ना, और कलेक्शन क्या होता है कि इन अ कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिपीटेड। ठीक है ना, यानी आप स्टैम्प्स का कलेक्शन बनाते हैं, है ना, कई लोग स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, कई लोग कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, है ना, कई लोग बहुत सारे और शौक होते हैं जो चीजें कलेक्ट करने के, है ना, जो कलेक्शन बनाते हैं अपना। तो कलेक्शन में आप, अगर आप कलेक्शन बना रहे हो तो एक ही तरह का कॉइन आपके पास एक से ज्यादा भी रख सकते हो आप, तो वहां पर ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो सकते हैं। सेट में ऐसा नहीं है, हर एलिमेंट केवल एक ही बार आएगा, तो इन ए कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिपीटेड। एक डिफरेंस लेके चलो ये है। तो इसीलिए एक सवाल यहां पर आता है कि हाउ इज कलेक्शन डिफरेंट फ्रॉम अ सेट। आप ये बोलोगे कि इन अ कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिपीटेड एंड रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, और सेट्स में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स को आप रिपीट नहीं कर सकते।
एक मेजर डिफरेंस है इसमें, ठीक है ना। अब मैं वेल डिफाइंड के आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूं। वेल डिफाइंड क्या होता है, ये वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड के एग्जांपल्स हैं। अच्छा मैं एक लिखता हूं, हां, कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स क्या इसको मैं सेट बोल सकता हूं? क्या बता सकते हो आप, क्या मैं इसको सेट बोल सकता हूं? ये सेट नहीं no, है sir. क्यों नहीं है? नो सर, क्योंकि गुड स्टूडेंट्स का कोई क्राइटेरिया नहीं कि इसी बेसिस पे उसकी, क्योंकि उसने जो भी जिसने भी ये आपको बोला है उसने गुड स्टूडेंट का कोई क्राइटेरिया आपको समझाया नहीं है, मतलब डिफाइन नहीं करके दिया उसने, ठीक है ना, प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया है। अगर मैं ये बोलूं, ठीक है ना, कि कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग अबव 95% मार्क्स, क्या ये सेट है आपके पास? यस सर, ये एक सेट, यस सर, क्योंकि अब 90% मार्क्स आपके स्कूल का या कोई भी और का है ना, तो कम से कम यहां पर एक क्राइटेरिया तो है कि जिसके बिहाफ पे, जिसके बेसिस पे आप बच्चों को कलेक्ट कर सकते हो, भले ही उस कलेक्शन में बहुत सारे बच्चे हों या कम बच्चे हों या नहीं भी बच्चे हों, है ना। तो ये चीज, तो ये होता है आपका वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है, ठीक है ना। मैं बोलूं कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पीपल, क्या ये सेट है? नो सर, नहीं, नो सर, नो सर, नो सर। क्या मैं इस पेज को हम मिटा दूं? देखिए, यस सर, ओके, आगे आगे बढ़ते हैं। yes, हाँ, अब अगला आता है भाई सेट। दो चीजें आपको याद रखनी है सेट के बारे में, ठीक है ना। अ सेट इज ऑलवेज, हर सेट का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। अ सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर, ठीक है ना। जनरली हम लोग सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। एंड एलिमेंट्स आर रिटन विद इन कर्ली ब्रेसेस, जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं ना ऐसे, ठीक है ना, यानी कि ऐसे एक सेट लिखते हैं और ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स बनाते हैं और इसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स को लिखते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर लिखे जाएंगे या डिफाइन किए जाएंगे जैसा भी होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है, हाँ, इन अ सेट एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, एलिमेंट्स बोले या ऑब्जेक्ट्स बोले, हाँ, एक ही चीज है, कहीं ऑब्जेक्ट्स लिखा होगा कहीं एलिमेंट्स लिखा होगा, एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रिपीटेड, ये ध्यान रखना, फिर वो सेट नहीं रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, ठीक है ना। तो दो चीजें आपको खासकर सेट्स के बारे में आपको लिखनी है, और ठीक है ना। अगला टॉपिक मिलता है हमको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है ना। तो अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज, है मालूम होगा आपको, अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। ठीक है ना, तो नंबर वन इज क्या होता है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर बोलो चाहे टेबुलर बोलो, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म,
या इसको रूल फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ऑल दी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, चाहे 100 होंगे, चाहे 1000 होंगे, चाहे कितने भी होंगे, चाहे 2 होंगे, चाहे 1 होगा, जितने भी होंगे, ऑल दी एलिमेंट्स आर रिटन। सबको लिखना पड़ेगा आपको, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब लिखने पड़ेंगे, और विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। सारे एलिमेंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि ऑल एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ रूल, है ना। ऑल एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ वेरिएबल एंड डिफाइंड बाय अ रूल, ऐसा कुछ होता है इसमें, रूल लगता है इसमें, ठीक है ना। मैं आपको, हाँ एक आप यहां तक लिखिए, फिर मैं आपको एक, 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 एक दो एग्जांपल दिखा देता हूं, ठीक है ना, तो फिर आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, मिटा दो बच्चे। यस सर। चलिए, हाँ अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। एक मैं लिखता हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, लेस देन 5, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो ऐसा लिखना पड़ेगा, ए डिनोट करना पड़ेगा, फिर ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स बनाने पड़ेंगे और सारे लिखने पड़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अगर लेस देन 50 बोला होता तो सारे 50 लिखने पड़ते, तो रोस्टर फॉर्म में तो ऐसा हो गया। इसी को अगर मैं रूल फॉर्म में लिखूं तो उसको भी डिनोट करना पड़ेगा ए से ही, और एक्सेस को डिनोट कर देंगे, एक्सेस को, एक्स सच दैट, ये हमने एक्स से डिनोट कर दिया और फिर एक्स को डिफाइन कर दूंगा, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। देखो पहले मैंने वेरिएबल लिया, अब यहां से इसको डिफाइन कर दिया कि भैया कैसे बनेगा वो, कैसे होगा, तो ये आपका रूल फॉर्म बन गया, देखिए, ठीक है ना। ये आपका एक एग्जांपल था, देखिए। ठीक है ना, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे सेट ऑफ नंबर्स, नेचुरली लेते हैं, चलिए ज्यादा टफ नहीं लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 एंड लेस देन 30। तो इसका रोस्टर फॉर्म तो बहुत, आपको कैसे बनेगा रोस्टर फॉर्म आपका, सिंपल, आपने एक रिप्रेजेंट करना है एक लेटर से, कोई भी एक अच्छा सा लेटर आपने रखा और सब लिखने पड़ेंगे, 5 लिखना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा, 15 लिखना पड़ेगा, 20 भी लिखना पड़ेगा, 25 भी लिखना पड़ेगा। इसने लेस देन 30 बोला है तो 30 को नहीं लिखेंगे, बस इतना ही लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म ये हो गया, ठीक है ना। अब रूल फॉर्म, अच्छा यहां पर लेस देन 5 बोला है तो इसमें 5 नहीं आना चाहिए, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू भी कर देते हैं, लेस देन इक्वल टू 5, तो इसमें इक्वल टू 5 भी आ जाएगा। यहां पर मैंने लेस देन 30 बोला, इक्वल टू नहीं लिखते हैं, चलो तो 30 नहीं आएगा। तो रूल फॉर्म में क्या होगा, ए यहां पर एक वेरिएबल से आप डिनोट करोगे, वाई सच दैट वाई
इज डिविजिबल बाय 5 एंड y इज लेस देन 30। बस इस फॉर्म में आपने लिख दिया तो आपका ये रूल फॉर्म बन गया, ठीक है ना। जो बड़े सेट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े सेट्स होते हैं, उसके लिए ये फॉर्म ज्यादा यूजफुल होता है। तो छोटे सेट्स होते हैं, कम एलिमेंट्स वाले, उनके लिए आपका ये रोस्टर फॉर्म ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, ठीक है नहीं। चलिए सिंपल है, हाँ आगे बढ़ जाऊं। यस सर। हाँ यस सर, कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स हैं, सम कॉमन टाइप ऑफ सेट्स। कुछ सेट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे पहला सेट है एम्प्टी सेट। नाम में ही उसकी डेफिनेशन है, क्या होगी इसकी डेफिनेशन को बता सकते हैं? अ सेट लैक ऑफ एलिमेंट, जिसमें किसी भी सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, मतलब एम्प्टी पॉकेट समझ लो आप, है ना। मतलब मान लो आपने एक सेट लिखा ए, आपने कर्ली ब्रैकेट्स बनाए, अंदर लिखने को कुछ नहीं है, ये एम्प्टी सेट हो गया। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स या अ सेट व्हिच डू नॉट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स, है ना, यही आपका एम्प्टी सेट हो गया। लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट ये है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, एम्प्टी सेट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका और भी नाम है, नल सेट। नल सेट भी बोलते हैं इसको, वॉइड भी बोलते हैं, वॉइड सेट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना कहीं, ठीक है ना। एक एग्जांपल अगर मैं लूं, देखो एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक सेट लिखा ए, एक्स सच दैट 2x + 11 = 3 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब कितने एलिमेंट है गिनो जरा इसमें, एक सेट लिखा है मैंने x, एक ऐसा है, एक ऐसा एलिमेंट लो जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और साथ में नेचुरल नंबर भी हो। तो इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई कर रहा है वो नेगेटिव नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो है नहीं, तो एक भी एलिमेंट नहीं आया, तो इसलिए एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं एम्प्टी सेट के। तो दूसरा सिंगलटन सेट, नाम में ही फटाफट इसको बता देते हैं, अ सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। मतलब जैसे मान लो एक सेट लिखा मैंने ए, कर्ली ब्रैकेट बनाया, उसमें वन लिख दिया, एक हो गया। मैंने एक ए लिखा, एक सेट बनाया x सच दैट x इज एन इवन प्राइम, इवन नंबर भी हो और प्राइम नंबर भी हो, ऐसा केवल एक ही नंबर होता है टू, तो सिंगलटन सेट के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट सेट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। क्या होगा फाइनाइट सेट का है, अ सेट having countable number of elements, countable number of elements। जब आप probability पढ़ते हो ना, probability पढ़ते हो, probability favorable cases, total cases वाली probability पढ़ते हो ना, yes, sir, वहां पर ये finite set होने चाहिए, तभी तो count कर पाओगे उनके elements को, है ना। तो वो जो टोटल आउटकम्स, हाँ तो टोटल आउटकम्स होते हैं, टोटल आउटकम्स आप काउंट कर पाओगे तभी तो लिखोगे ना कितने होंगे, तो उनको फाइनाइट सेट बोल सकते हैं हम लोग। तो अ सेट हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं ये बोलूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्या ये काउंट फाइनाइट सेट है क्या? नो सर, नो सर,
सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नो सर. लेकिन अगर मैं इसमें कंडीशन लगा दूं लेस देन 10, आप बताओ. यस. आप इसको फाइनाइट सेट बन जाएगा. ठीक है ना. तो बस इसी का ऑपोजिट क्या होगा फिर. इनफाइनाइट सेट. तो बस आप लिख सकते हो उसका क्या है ना. इसमें ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं, नाम में ही है. और सेट हैविंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि अगर मैं इसी एग्जांपल में लेस देन वाला ये कंडीशन हटा दूं, है ना, तो ये आपका एक इनफाइनाइट सेट हो गया, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स. कितने प्राइम नंबर्स हो सकते हैं आज तक. इनफाइनाइट सर. इनफाइनाइट सर, है ना. अगली चीज आती है कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट. ये भी ये इंपॉर्टेंट चीज है, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट. एक सेट, हर सेट का एक कार्डिनल नंबर होता है. ठीक है ना. ये इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अंडरलाइन करके याद करिएगा. ठीक है ना. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट, मतलब कि आपने कितने एलिमेंट्स हैं काउंट कर लिए इन अ सेट. और सेट कैसा होना चाहिए इसके लिए. कार्डिनल नंबर किसका डिफाइन होगा. ऑब्वियसली सेट फाइनाइट सेट होना चाहिए. इनफाइनाइट सेट को हम कैसे काउंट करेंगे. ठीक है ना. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर. ठीक है ना. बहुत इंपॉर्टेंट. और इट इज डिनोटेड एज, ऐसे डिनोट करते हैं सुखो इसको, तो इट इज डिनोटेड बाय, ऐसे एन लिखेंगे और ऐसे ब्रैकेट के अंदर ए लिखेंगे. इसका मतलब क्या हुआ, कार्डिनल नंबर ऑफ ए. यानी कि एन ए को उसको पढ़ेंगे कैसे, ऐसे पढ़ेंगे इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ऐसे पढ़ेंगे. एग्जाम्पल देखो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे मैंने ए ले लिया, ए ई आई ओ यू, ये मैंने एक सेट ले लिया. अब बता सकते हो एन ए कितना होगा इसमें. फाइव. काउंट कर दो नंबर. फाइव हो जाएगा ऐसे. तो ये कार्डिनल नंबर हो गया. कहां पर इसका एप्लीकेशन मिलेगा आपको बता सकता है कोई. इसका आपको जो एप्लीकेशन मिलेगा वो कहां मिलेगा ज्यादातर, कहां जरूरत पड़ेगी आपको. सर फाइनाइट सेट में जहाँ सर पूछा गया होगा कि कितने नंबर्स या एलिमेंट्स हैं इस, हाँ, किस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में आपको ये काम आता है, काउंट करना पड़ता है आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैथमेटिक्स. प्रोबेबिलिटी. यस बिल्कुल सही. प्रोबेबिलिटी. तो जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो आपको सेट बनाने पड़ेंगे, और सेट बनाने पड़ेंगे तो आपको उसका कार्डिनल नंबर चाहिए होगा, जिसको हम टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स बोलते हैं ना, तो वही चीज होती है. सर मतलब कार्डिनल नंबर एक तरह से पूरा सम हो गया जो अंदर जितना रहता है, मतलब सम नहीं, सम नहीं, हाँ, कितने एलिमेंट्स होंगे. हाँ, एलिमेंट्स. हाँ सर. जैसे मैंने एक सेट लिखा बी, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर. तो आप बताइए एन बी कितना होगा. एन बी इनफिनिटी. आप बोलोगे नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड. या आप इनफिनिटी भी बोल सकते हो. इनफिनिटी का सिंबल है ना, पता होगा सबको, है ना. नॉट डिफाइंड बोल सकते हो. अब है इक्वल सेट्स. एक काम करते हैं, साथ लेके चलते हैं. हाँ, और इक्विवेलेंट सेट. कभी कभी आपको बोला जाएगा ये दो सेट इक्वल हैं, कभी कभी बोला जाएगा आपको ये दो सेट्स इक्विवेलेंट्स हैं. ठीक है ना. तो पहले तो डिफाइन कर लेते हैं. तो टू सेट्स
A and B are said to be equal, तो इक्वल बोला जाएगा दो सेट्स को, तो दो कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी आपको, एन ए शुड बी इक्वल टू एन बी. क्या मतलब हुआ इसका कि नंबर कार्डिनल नंबर्स दोनों तो एलिमेंट्स इन ए एंड एलिमेंट्स इन बी must be same. ठीक है ना. यहां पर एक चीज है, order is not important. Order important नहीं है. ठीक है ना. जैसे मान लो आपके पास A है, इस पर मैंने लिखा 1, 2, 3, 4. ठीक है ना. एक सेट मैंने लिखा 2, 2, 1, 4, 3. क्या मैं A को B के इक्वल लिख सकता हूं ऐसे? Yes sir. एलिमेंट्स भी सेम है, ऑर्डर लेकिन ऑर्डर अलग अलग हो सकते हैं, कोई बात नहीं है. ठीक है ना. A इक्वल टू B. तो ये अब उसी तरह यहां पर इसी का बिल्कुल क्या हो जाएगा कि टू सेट्स A एंड B are said to be equivalent if, इसमें एक ही कंडीशन है बस, एन ए इक्वल टू एन बी, बस और कुछ नहीं. ठीक है ना. जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, यहां तो दो कंडीशन लगी, यहां केवल एक कंडीशन है. एग्जाम्पल अगर सीधे देख लें, अगर ए देखते हैं 1, 2, 3, 4 और B देखते हैं A, B, C, D, तो हम ये बोल सकते हैं कि A is equivalent to B. इस तरह से इस बार ये equivalent हो गया. Equal नहीं है, equivalent है. Only the number of elements हम count करके छोड़ देंगे, है ना. Number of elements in A should be equal to number. Elements को नहीं देखेंगे अंदर, मतलब केवल size matter करता है set का, है ना. कि अगर सेम साइज के सेट हैं तो उनको इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे. ठीक है ना. और इसमें एग्जैक्टली सेम सेट्स हैं, साइज भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है, तो सेट ही सेम हो गए बिल्कुल. ठीक है ना. तो ये दो एक चीज ये है आपकी. ठीक. सबसेट्स यानी कि अ सेट A is called a subset of B. नाम से क्या लग रहा है? Subset of B if all elements in A are also present in B. यानी कि A के सारे एलिमेंट, यानी कि अगर इन शॉर्ट अगर मैं ये बोलूं कि A इज सबसेट ऑफ B, ये सबसेट का सिंबल है, ये सबसेट का सिंबल है. A इज ए सबसेट ऑफ B, इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्स इन A, A के जितने भी एलिमेंट्स हैं आर ऑल्सो प्रेजेंट इन B. But vice versa is not true. ठीक है ना. मतलब all elements in B may not be in A. Be in A. ठीक है ना. In short अगर मैं एक box में बोलूं इसको, एक line पे बात करूं कि A subset of B का मतलब हुआ A lies inside B. यानी आपके स्कूल के अंदर आपकी क्लास लाई करती है, तो मतलब कुछ ऐसा नजर आएगा आपको. देखो
ऐसा कुछ नजर आएगा, देखो ध्यान से, ये एक सेट है ए और ये बाहर पूरी तरह से इसको ढक लिया है, ये आपका बी है। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसमें ए वाला सेट बी के अंदर लाई करता है, तो यहां ये हो गया ए इज सबसेट ऑफ बी, ये हो गया। देखो ऐसा दिखेगा आपको सबसे, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और दूसरा है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, एवरी सेट मतलब एम्प्टी पॉकेट हर किसी का सबसेट होता है, ठीक है ना। ये दो लाइनें लिखिए अब सबसेट्स पे थे हम लोगों ने इसको डिफाइन किया और हमने इसको समझा, ठीक है ना। अब फॉर्मली लिख लेते हैं एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। तो अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए every element of A belongs to set B, ठीक है ना। यानी कि A is a subset of B, ऐसा भी लगाया जाता है कहीं, A is a subset of B if, अगर small a A को belong कर रहा है तो इसका मतलब है कि small a B को भी बिलोंग करेगा। ये आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया सबसेट का, हमने पीछे डायग्राम बना के भी देख लिया था, ठीक है ना। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इफ A इज सबसेट ऑफ B देन B इज कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ A, ठीक है ना। तो दोनों का एक ही मतलब है, या ए को बी का सबसेट बोलो या बी को ए का सुपरसेट बोलो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आएगा, वो आएगा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना। A एक सेट है, A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ B, इफ, ठीक है ना, इफ एवरी एलिमेंट, ये तो होगा ही होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ A is also a member of B, ये तो है ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहां पर क्या होगा, there exist at least one element in B which is absent in A, तो विच इज नॉट प्रेजेंट इन बी, ठीक है ना। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए शुड बी लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए शुड बी लेस देन, लेस देन है अगर सिंबल थोड़ा सा इसको, है ना, तो लेस देन, तो कार्डिनल नंबर,
ये देखिए लेस देन का सिंबल, ये लीजिए, कम से कम बी में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है ना, तो बी मस्ट हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट मोर देन ए, एक एलिमेंट कम से कम, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसका साइन ऐसा होगा, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, क्योंकि अभी नहीं पता कि क्या वो इक्वल तो नहीं, अभी नहीं पता ना, जब तक नहीं पता तब तक हम ये लगाएंगे, ठीक है ना, दोनों में से दोनों साइन सबसेट के ही हैं, तो इसको प्रॉपर सबसेट जब होगा तो डेफिनेटली ये साइन लगाएंगे, अगर ये नहीं पता हो कि अभी हम किस सेट की बात कर रहे हैं तो हम ऐसा लगाएंगे, ठीक है ना, सबसेट ऑफ अ सेट ए, हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक ए सेट लिया जिसमें मैं बहुत कम एलिमेंट लेता हूं, केवल दो एलिमेंट लेता हूं, ठीक है ना, तो इसके मैं सबसेट्स बनाने जा रहा हूं, इस ए के सबसेट बनाने जा रहा हूं, पहला सबसेट इसका बनेगा एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्यों भाई, है ना, पहला सेट तो ऐसा होगा जिसमें कुछ भी नहीं एलिमेंट होंगे, एक सबसेट हो सकता है उसमें एक ही एलिमेंट हो वन, एक सबसेट ऐसा हो सकता है जिसमें एक ही एलिमेंट हो टू, एक सबसेट ऐसा हो सकता है जिसमें दोनों के दोनों एलिमेंट हो, यानी कि ए वन भी इसका सबसेट है, ए टू भी इसका सबसेट है, ए थ्री भी इसका सबसेट है, ए फोर भी इसका सबसेट है, सही है ना, चार सबसेट बन गए इसके, ठीक है ना, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए थे टू, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हुए, टू की पावर टू, यानी कि फोर। अच्छा, अब सवाल ये है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने हुए, अब इनमें से प्रॉपर सबसेट थ्री, इनमें से ये तीनों आपके प्रॉपर सबसेट होंगे, ये जो चौथा वाला है ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि इसमें और इसमें बराबर एलिमेंट है, बराबर एलिमेंट नहीं, कम से कम एक एलिमेंट है ना कम होना चाहिए, इसमें दो एलिमेंट है ये, ठीक है, तो ये तो बराबर हो गया एलिमेंट, तो प्रॉपर सबसेट आपके हो गए थ्री, हो गए आपके नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना, सही है, आसान बात है, ठीक है ना, ऐसा ही मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक सेट लिया मैंने, बी सेट लिया, उसमें मैं लेता हूं तीन एलिमेंट्स ए बी और, तीन एलिमेंट्स लेता हूं, तो इसके सबसेट्स बनाने जा रहा हूं मैं, पहला सबसेट इसका एम्प्टी, दूसरा सबसेट बनेगा इसका जिसमें एक एलिमेंट है, केवल ए ले लेते हैं, तीसरा सबसेट बनेगा, आपको एलिमेंट यहीं से लेने हैं, बाहर से नहीं लेने हैं, बी, एक सबसेट बनेगा जिसमें आपका केवल एक एलिमेंट सी होगा, एक सबसेट आपका ऐसा बनेगा जिसमें दो एलिमेंट होंगे ए और बी ले लेते हैं, एक सबसेट आपका ऐसा होगा जिसमें दो एलिमेंट होंगे ए और सी ले लेते हैं, एक सबसेट ऐसा होगा जिसमें दो एलिमेंट होंगे अब ए बी और सी, और एक सबसेट ऐसा होगा आपके पास जिसमें तीनों के तीनों एलिमेंट आएंगे, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये सबसेट तो कहलाएगा, तो कितने बने, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बने बताओ, काउंट करके देखो, एट नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए, टू की पावर थ्री यानी कि एट, बेस में टू रहेगा, पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, अब यहां पर आप बताएंगे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, सेवन सेवन, बस इसको छोड़ दो, बाकी सारे टू की पावर क्यूब माइनस वन, यानी सेवन आपके प्रॉपर सबसेट्स होंगे, आसान है,
प्रॉपर सबसेट है ना, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से प्रॉपर सबसेट। यस सर। ठीक है ना। यस सर। यस। हाँ यहां पर अब यहां से ये वाला जो मैं बताने जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर सबसेट के बाद ये वाला पावर सेट, पावर सेट। ठीक है ना। इफ ए इज एनी सेट देन अ सेट कंटेनिंग ऑल सबसेट्स ऑफ ए is called the power set of A. The power set of A. या simply power of A भी बोलते हैं इसको, अगर simply ऐसे भी बोलते हैं power of A, और इसको denote भी करते हैं तो it is denoted by ऐसे P लगाते हैं और बाहर अंदर है power of A. तो पावर ऑफ ए क्या होता है, एक सेट होता है, ध्यान रखिएगा ये भी एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है ना। एग्जांपल के लिए सपोज एक सेट है आपके पास, उसमें एलिमेंट हैं एक्स और वाई, तो पावर ऑफ ए क्या होगा, ये भी एक सेट होगा लेकिन इसमें एलिमेंट क्या होंगे, सबसेट्स। तो इसका एक सबसेट क्या था, एम्प्टी सेट, एक एलिमेंट ये हो गया। इसका एक सबसेट क्या था, एक्स, दूसरा एलिमेंट ये हो गया। एक सबसेट क्या था, वाई, ये तीसरा एलिमेंट हो गया। एक सबसेट क्या था, एक्स और वाई, ये चार इसके सबसेट्स हो गए। तो सबसेट्स को मिला के एक नया सेट बनाया तो वो आपका पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा, है ना, सेट ऑफ सबसेट्स है, अगर बॉक्स में देखें तो सेट ऑफ सबसेट्स। यानी कि सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर ऑफ ए। यानी कहूं वह है इंटरवल्स, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है ना। इंटरवल्स का नाम सुने हो आप, इंटरवल्स का नाम सुने हो, जैसे हम बोलते हैं ना, कोई है जिसने इंटरवल का नाम सुना है, इंटरवल्स नहीं सुना सर। देखो अच्छा, अब मैंने यहां दो चीजें यूज करी है, इंटरवल्स को मैं रियल नंबर्स का सबसेट की तरफ पढ़ रहा हूं। अच्छा रियल नंबर्स क्या होते हैं, सबको मालूम होगा रियल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी पॉसिबल नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं, है ना। यानी कि द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ये तो कोई मैंने नई बात नहीं बताई आपको, आप लोगों को ये चीज पता ही होगी, रियल नंबर्स। ठीक है ना। और हमारी जो नंबर लाइन होती है ना वो एक्स एक्सिस होती है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस, जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना, इज द नंबर लाइन वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है ना। एक्स एक्सिस हमारी नंबर लाइन है, वाई एक्सिस भी होती है, वाई एक्सिस वर्टिकल नंबर लाइन है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। तो जिस नंबर लाइन को हम जानते हैं वो एक्स एक्सिस है बेसिकली। अच्छा एक्स एक्सिस में हम लोग क्या प्लॉट करते हैं, नंबर्स तो प्लॉट करते हैं, जरा देखो क्यों भाई करते नहीं करते हैं, जीरो होता है बीच में इस तरफ, वन टू थ्री, बाई तरफ माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, होता नहीं होता एक्स एक्सिस, ये देखो ना, ये
ऐसी है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, मतलब रियल एक्सिस। इसमें हम लोग रियल नंबर्स को प्लॉट करते हैं, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। नेगेटिव नंबर्स को इधर प्लॉट करते हैं, यानी एक्स एक्सिस आपकी नंबर लाइन है। तो इंटरवल क्या हुआ, इंटरवल इज पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, इंटरवल इज अ पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। तो ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ही जो टुकड़े करेंगे आप, उसी को ही हम इंटरवल्स बोलते हैं। समझ में आई बात? ठीक है ना। अब मैं इसको फॉर्मली डिफाइन करता हूं, फॉर्मली इसको कैसे डिफाइन करते हैं देखिए। हां, एन इंटरवल इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स विथ अ डिफाइंड स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट उसके डिफाइंड होते हैं। अच्छा, एक्स एक्सिस में क्या दिक्कत है, इस पे इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो माइनस इनफिनिटी है और इसका जो एंड पॉइंट है वो प्लस इनफिनिटी है कि नहीं है। तो कोई ना स्टार्टिंग पॉइंट मेंशनड है, इंटायर एक्स एक्सिस नंबर लाइन है, कोई एंड नहीं है उसका, इनफाइनाइटली वो प्रोड्यूस किया जा सकता है दोनों साइड। लेकिन अगर मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अगर मैं फिक्स कर दूं तो वो मेरा इंटरवल कहलाता है। तो इंटरवल इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स मतलब एक्स एक्सिस है ना, रियल नंबर मतलब एक्स एक्सिस है ना, लिखा है ना मैंने यहां पर ऊपर रियल नंबर, तो उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट, तो उसी को हम लोग इंटरवल बोलते हैं। ठीक है ना, इंटरवल्स आर ऑफ फोर टाइप्स। पहला है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे ए बी ऐसे ब्रैकेट्स में लिखते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। तो इट कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, बोथ एक्सक्लूडेड। ठीक है ना, जरा एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। ये है आपकी नंबर लाइन, एक्स एक्सिस आपकी नंबर लाइन है, ये वाला पॉइंट आपका ए है सपोज करो, ये वाला पॉइंट आपका बी है सपोज करो, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये यहां से लेकर यहां तक के सारे नंबर्स आपको लेने हैं, सारे नंबर्स आपको लेने हैं, लेकिन ए को नहीं लेना और बी को नहीं लेना, बीच के सारे नंबर ले लो, इसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस है तो यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए बी का मतलब हुआ कि जो आपका x होगा वो a से शुरू होगा और b तक जाएगा, बीच के सारे नंबर्स लेगा लेकिन a और b को नहीं लेगा, ठीक है ना। ये आपका ओपन इंटरवल की ऊपर ओपन इंटरवल हो गया, ठीक है ना। yes. दूसरा आता है आपका क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल को ऐसे लिखते हैं, ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे और दो एलिमेंट लिखते हैं ए, ठीक है ना। तो ये भी वही है, इट कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, बोथ इंक्लूडेड
दोनों को इंक्लूड करने हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, ये सपोज आपका ए है, ये सपोज करो आपका बी है, आपको नंबर लाइन पे, आपको नंबर लाइन पे ए से लेकर बी तक के सबको लेने हैं, आपको जो भी बीच में पड़ रहा है वो सब ले लो, और ए को भी लेना है और बी को भी लेना है, इंक्लूडिंग ए एंड बी। तो ए और बी भी इंक्लूड हो जाएंगे यहां पर, बोथ इंक्लूडेड। यानी कि अगर कोई ये बोले आपसे कि एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ऐसा हो तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक्स जो है ए से शुरू होगा, देखो ए को भी इक्वल टू में लिया गया है, और बी, यहां ए और बी को नहीं लिया गया है, यहां ए और बी को लिया गया है, ये मतलब हुआ इसका क्लोज इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल होता है और क्लोज इंटरवल, मतलब यहां से लेकर ए से लेकर बी तक के सारे एलिमेंट्स, अगर नेचुरल नंबर बोला है तो हम काउंट भी कर सकते हैं, अगर रियल नंबर बोला है तो हम काउंट नहीं कर, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा ना फिर वो, लेकिन अगर नेचुरल नंबर बोलेगा तो फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, ओपन इंटरवल हो गया, क्लोज इंटरवल हो गया, ठीक है ना। दो मिटाऊं इसको, अगला लिखो। हाँ, तीसरा आता है इस पे, हाँ तीसरे के दो पार्ट्स हैं, सेमी ओपन या क्लोज्ड इंटरवल, इसी में ही दो आ गए, ये थर्ड हो गया, इसी में ही दोनों इसी में आ जाएंगे। यानी कि एक इसमें ऐसा बनेगा, एक तरफ स्क्वायर ब्रैकेट, एक तरफ ऐसा, दूसरा होगा इस तरफ ऐसा और इस तरफ ऐसा वाला ब्रैकेट। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट बोलता है इंक्लूड करो, ये बोलता है जो स्मॉल ब्रैकेट है ये बोलता है कि एक्सक्लूड करो। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है ना, इट कंटेन्स ऑल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी वेयर ए इज इंक्लूडेड एंड बी इज एक्सक्लूडेड। ये इस वाले में क्या होगा, उसमें उल्टा हो जाएगा, है ना। तो आधा ओपन है आधा क्लोज है, एक तरफ से ओपन है एक तरफ से क्लोज है, तो आप इसको भी आप वैसे ही लिख सकते हो, सेम चीज मतलब हो गया इसका, इट कंटेन्स ऑल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी वेयर ए इज एक्सक्लूडेड, ए वाला एक्सक्लूड हो जाएगा, एंड बी इज इंक्लूडेड। सही है कि नहीं, समझ में आई बात? यस, ठीक है ना। तो अगर हम फिगर में देखें इसको, अगर ये ए है और अगर ये बी है, अगर इसमें से एक वाले ए वाले को देखते हैं, फर्स्ट वाले को देखते हैं, इस वाले को देखते हैं, यहां पर ये देखो बीच के तो सारे आएंगे आएंगे, यहां ए को तो आपने लेना है तो डार्क कर दिया, बी को नहीं लेना है तो आपने हॉलो छोड़ दिया उसको, बी को नहीं लेना है, ये मतलब है इसका, ठीक है भाई, ठीक है ना। यहां पर यहां मतलब ये हुआ कि एक्स ए वाले साइड पे इक्वल लगेगा, बी वाले साइड पे इक्वल नहीं लगेगा, और इसका मतलब हुआ कि ए वाले पे इक्वल नहीं लगेगा, बी वाले साइड पे इक्वल लगेगा, ठीक है ना। ये इसका सौ बात की एक बात बोलते हैं ना इसको, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये है। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल।
सर ये वाला एक पॉइंट एक और बार समझा दीजिए बच्चे. देखो ये ओपन फ्रॉम राइट है, इसमें जो राइट वाला नंबर है ना वो इंक्लूड नहीं करोगे आप. मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको. हाँ सर एग्जांपल लेके बताओ. एग्जांपल लेके बताते हैं. चलिए ये मैं कलर ये रखता हूं. देखिए एक एग्जांपल ये है. इफ एक्स बिलोंग्स टू 3 से लेकर 10 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर राइट एक्स इन सेट फॉर्म. इंटरवल को सेट फॉर्म में लिखने हैं तो आपका जो एक्स होगा सेट फॉर्म में कैसा लिखा जाएगा. देखो 3 आपको लेना है, 3 लेना है, 4 5 6 7 8 9 आपको 10 नहीं लेना है. जो राइट हैंड वाला जो है जो अपर लिमिट है उसको नहीं लेना है. ये हो गया ये वाला केस. ठीक है ना. और अगर ये ऐसा होता इफ एक्स बिलोंग्स टू 3 10 अगर ये ऐसा होता और एक्स को डिफाइन किया होता एक्स बिलोंग्स टू कुछ भी डिफाइन कर सकता हो नेचुरली ले लेते हैं हम लोग नेचुरल नंबर. तो इसका जो सेट बनेगा वो कैसे बनेगा. देखो इसमें आपको 3 से शुरू करना है लेकिन 3 नहीं लेना है. तो 3 के बाद 4 लेना है, 5 लेना है, 6 लेना है, 7 लेना है, 8 लेना है, 9 लेना है और यहां 10 भी इंक्लूड करना है. तो 10 भी लेना है तो ये आपका बन गया x. ठीक है ना. अगर ये ऐसा होता इफ x बिलोंग्स टू 3 to 10 दोनों तरफ ये होता और ऐसा होता x belongs to हम इसी को रख रहे हैं. ठीक है एग्जाम्पल के लिए नेचुरल नंबर. ये डेफिनेशन चेंज भी हो सकती है. तो इसका सेट कैसे बनेगा. यहां भी हमको नेचुरल नंबर ना 3 और 10 नहीं लेंगे और 9 10 लेना. 4 5 6 7 8 9 मेरे ख्याल से आप क्लियर हुआ होगा.